हाय एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो जैसा कि हमने हमारी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की हुई थी यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें हमने यूनिट को कंप्लीट कर लिया था, डायमेंशंस भी हमारे हो गए थे। हमने स्टार्ट की थी हमारी जर्नी, हमारी जो एप्लीकेशंस है डायमेंशन की, जिसमें हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने करेक्ट करना सीखा हमारे जो डायमेंशन, कोई भी इक्वेशन होती है उसको ये चेक करना क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, वो हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन थी। आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम कन्वर्जन। ये कन्वर्जन क्या होता है? कन्वर्जन आपको बहुत अच्छे से पता है, कभी मिल्क वाली आइसक्रीम खाई है, कभी दूध से आइसक्रीम बनाई है, बहुत बार बनाई होगी। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हम एवरीडे लाइफ में करते हैं, जैसे रात को दूध को फ्रिज में रख देना तो उसकी बर्फ बन जाती है, बड़े टेस्ट से हम उसको खाते हैं। सेम ऐसा ही क्या किया जाता है, डायमेंशंस की हेल्प से हम किसी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज कर सकते हैं, यानी कि बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशंस वी कन्वर्ट वन यूनिट इनटू अनदर यूनिट। इसको बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यानी कि हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स को क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे किसी और यूनिट में। है ना इंटरेस्टिंग? तो आज हम सीखने वाले हैं, ये एक तरह का मतलब फॉर्मूला ही लगा लीजिए, या फिर इसको एक तरह का आप ये भी कह सकते हैं कि जो हम आज करने वाले हैं उसमें हमारा मैथमेटिकली थोड़ा सा वर्क होने वाला है। तो आपको जो ध्यान देना है वो ये है कि अपनी पेन और नोटबुक अपने साथ लेके बैठ जाइए। अगर समझना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो साथ साथ करते रहिए, समझते रहिए। पूरा फोकस आपका अपने फोन पे यानी कि वीडियो यानी कि मुझ पे होना चाहिए, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। अदरवाइज थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है और कहीं पे भी आपको समझ रहे हो ना क्या कह रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। देखो बेटा, हमने देखा था कि हमारी जो यूनिट्स होती हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वो बहुत तरह की होती हैं। बहुत तरह की मतलब हमने देखा हमारी FPS होती है, हमारी CGS होती है, हमारी SI होती है ना। SI को ही हम लोग क्या लेके चलते हैं, MTS लेके चलते हैं, क्योंकि ये हमारा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल माना जाता है। तो हमें क्या करना होता है, हमें किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चीजों को क्या करना है, चेंज करना है। और ऐसा क्यों करना है, मान लीजिए कि मुझे कोई भी सामान है वो किसी और कंट्री में देख के आना है, तो हमारी जो यूनिट होगी वो कुछ अलग होगी, लेकिन हमें तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के हिसाब से चलना है ना। तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल हमें क्या कहता है कि आप जो भी दूरी तय करोगे, जो भी आप डिस्टेंस कवर करोगे एक जगह से दूसरी जगह, वो आप कवर करोगे मीटर में। और अब अगर आपको कोई चीज वेट करना है, किसी भी चीज का आपको वेट देखना है, तो वो आप देखोगे केजी में। अगर आपको टाइम मेजर करना है तो टाइम मेजर करोगे आप सेकंड में। तो मान लीजिए ये तो हमने कर लिया चेकआउट, लेकिन जब हम किसी और कंट्री में लेके जा रहे हैं अपने सामान को, तो वो कंट्री वाले क्या सोचते हैं, भाई एक बार अपने में भी तो चेक कर ले, है ना। होता है ना थोड़ा सा कि चलो भाई अपनी वाली जो हमारी यूनिट है उसमें भी तो चेक कर ले। तो वो क्या करते हैं, एक सिस्टम से, मान लीजिए वो CGS सिस्टम को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, और हम लोग किसको करते हैं, SI को करते हैं। तो वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अपनी वैल्यू को क्या करके देख सकते हैं, चेंज करके देख सकते हैं। यानी कि बिल्कुल, हाँ आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, आप किसी भी एक यूनिट को किसी भी दूसरी यूनिट में क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। यही सिखाने वाली हूँ मैं आज आपको, है ना इंटरेस्टिंग, किसी एक यूनिट से किसी दूसरे यूनिट में क्या करना, चेंज करना। अब वो आप चेंज कैसे करेंगे वो देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो यू होता है वो आपकी यूनिट होती है, यूनिट होती है ना। तो हम यहाँ पे दो यूनिट की बात करेंगे, एक होगी हमारी U1 यूनिट और एक होगी हमारी U2 यूनिट, ठीक है। मान लीजिए मैं किसी भी कोई भी क्वांटिटी के बारे में बात कर रही हूँ, तो हम इक्वेशन क्या लिखते हैं, X=NU, ऐसा ही लिखते हैं। एक्स हमारी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, कोई भी मतलब कोई भी, जैसे कि मैं मान लीजिए मैं फोर्स की बात कर रही हूँ, तो एक्स मेरी क्या हो जाएगी, फोर्स हो जाएगा। एन क्या होगा, एन मेरा मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब कि मेरे को कितने फोर्स की बात करना है, मैंने किसी भी काम, मान लीजिए कि मैं किसी के यहाँ पे काम कर रही हूँ और वो मुझे फोर्स लगाने के पैसे दे रहे हैं, तो मान लीजिए कि मैंने फोर्स लगाया तो मुझे कितने फोर्स के पैसे देंगे, वो डिपेंड करता है ना मैंने कितना काम किया, भाई मैंने 2 न्यूटन काम किया, मैंने 3 न्यूटन काम किया। तो ये जो डिजिट होती है 2, 3, ये सब हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। और यूनिट, ये यूनिट क्या होती है, ये यूनिट होती है हमारी वो,
हमारी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट जो हमें बताता है एक्चुअल में कितना काम किया, भाई मैंने न्यूटन में काम किया, मैंने डाइन में काम किया, दोनों ही फोर्स की यूनिट है, तो ये बताता है यूनिट के बारे में, ठीक है। तो हमारे पास मान लीजिए हमने फोर्स को ही क्या किया, एक से दूसरे में चेंज किया, न्यूटन में मैंने काम किया, लेकिन जिनके मैं काम करती हूँ वो डाइन में समझते हैं, तो वो डायन नहीं डाइन, तो वो क्या करेंगे, मैंने जो न्यूटन में काम किया उसको कन्वर्ट कर लेंगे डाइन में और मुझे उसी हिसाब से क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। तो कहने का मतलब यू हमारा क्या होता है, यूनिट होता है। तो आप कन्वर्जन कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला देखिए कैसे करेंगे, आप करेंगे n इज इक्वल टू एन वन एम वन बाय एम टू की पावर ए, एल वन बाय एल टू की पावर बी, टी वन बाय टी टू की पावर सी। ये आपके कन्वर्जन का फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आपको डायरेक्ट याद करना है। ये फॉर्मूला कैसे आया, कहाँ से आया, डेरिवेशन क्या है, इससे आपका कोई भी लेना देना नहीं है। एग्जाम में आपको डायरेक्ट इस पे कन्वर्जन पूछे जा सकते हैं, आपको जस्ट फॉर्मूले की हेल्प लेनी है और क्या करना है, सिंपली अपना क्वेश्चन करना है। आपको कोई मतलब नहीं है ये फॉर्मूला कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, आप डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे करना है उसके लिए मैं हूँ, अभी बस आप ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो और आपको याद रखना है कि किस तरह से आपका ये फॉर्मूला है। ये चीज समझ में आई आपके, ये सारा सिस्टम समझ में आया कि एक्चुअल में हमें करना क्या है, हमें ये फॉर्मूला यूज करना है और एक क्वांटिटी से किसी दूसरी क्वांटिटी, यानी कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वो एक ही रहेगी। जैसे कि मैं फोर्स की बात करूं तो हम फोर्स की ही बात करेंगे, लेकिन उसमें जो कन्वर्जन होगा वो उसके यूनिट्स में होगा। जैसे फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और उसकी सेकंड सीजीएस यूनिट क्या होती है, वो होती है डाइन। तो हम लोगों को सीजीएस में एसआई से किस में चेंज करना है, सीजीएस में, यानी कि न्यूटन से डाइन में। ये चीजें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, यही फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। समझ में आ गया क्या करने वाले हैं हम लोग, बहुत आसान है। एक बार अगर आप लोग एक फॉर्मूला भी मतलब एक अगर कन्वर्जन सीख गए ना, इस बात की गारंटी मेरी है कि आप सारे कन्वर्जन फिर फटाफट से कर लोगे, फिर आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रह जाएगा, फिर आपसे कोई से अभी कैसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप फटाफट से उसको करके दिखा दोगे, मुझे पता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, हम लोग करने वाले हैं हमारा कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या है देखिए, कन्वर्ट वन न्यूटन इंटू डाइन, हमें न्यूटन को डाइन में क्या करना है, चेंज करना है। कितने न्यूटन को, वन न्यूटन को। अभी जो हमारे पास वैल्यू लिखी हुई रहती है वन टू थ्री, ये हमारे एन वन की वैल्यू होती है। जैसे कि चलिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला परमानेंटली लिख देती हूँ ताकि आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन ना हो। फॉर्मूला क्या होता है, एन टू इज इक्वल टू एन वन एम वन की एम वन बाय एम टू पावर ए, L1 by L2 power B और T1 by T2 power C। ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पे जो आपका ये N1 होता है ना, ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ रहता है। ये जो 1 लिखा हुआ है दैट्स मीन यहाँ N1 की वैल्यू क्या है, 1 है, और आपको फाइंड क्या करना है, N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये चीज समझ में आई आपके कि एक्चुअल में आपको क्या और कैसे करना है, बस यही सिस्टम सोल्व करना है और देन उसके बाद आपका सारा का सारा काम हो जाएगा, है ना इजी। तो चलिए फिर फटाफट से मैं इसको करके दिखाती हूँ, वन बाय वन बिल्कुल स्लोली आराम से एक एक स्टेप को समझते हुए चलिएगा। हमें बस एक ही क्वेश्चन को अच्छे से समझना होता है, उसके बाद सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। अगर एक बार इस क्वेश्चन को समझ लोगे उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे आप फिर उसको फटाफट से कर दोगे। तो अच्छे से एक एक ध्यान से एक एक स्टेप को अच्छे से करते हुए चलना, जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ उससे डबल आपकी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, अटेम्प्टेशन का भी मैं पूरा ध्यान रखूंगी, किस तरह से आपको एक एक लाइन एक एक थ्योरी लिखनी है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। बस साथ दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और आपको कुछ भी नहीं करना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, यूज करें वो हमारा डायमेंशन का है, बाय यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन। तो बेटा चलो अब शुरू करते हैं, एक एक स्टेप को देखते हुए चलना, एक एक स्टेप को समझते हुए चलना ताकि आपको कहीं पे भी कोई गड़बड़ ना हो। तो सबसे पहले आप याद यहां पे लिखेंगे, न्यूटन इज
न्यूटन इज यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन इज यूनिट ऑफ फोर्स, है ना, क्या होती है, फोर्स होती है। सो हेयर यू वन इज इक्वल टू वन न्यूटन, क्योंकि आपको U1 की वैल्यू दी हुई है, वो क्या है आपके न्यूटन, यानी कि आपको U कितना दिया हुआ है, न्यूटन दिया हुआ है। आप इसको वन ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, U1 आपका कितना दिया हुआ है, न्यूटन। देन उसके बाद आप लिखेंगे डाइन इज दी यूनिट ऑफ, बताइए अगेन फोर्स, लेकिन तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यू टू हो जाएगा डाइन, बट आपको यहाँ पे क्या लिखना है, न्यूटन इज दी एसआई यूनिट, ये मुझे बताना था, एसआई यूनिट होता है न्यूटन फोर्स की, तो आप लिखेंगे न्यूटन इज दी एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो बताइए मुझे यहाँ आप क्या लिखेंगे, डाइन इज दी सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। तो हमें क्या करना है, हियर वी आर कन्वर्ट SI unit into CGS, हमें एक्चुअल में SI unit को CGS unit में क्या करना है, चेंज करना है। अब देखो चेंज कैसे करते हैं, चेंज करना सिखाती हूँ ये मैं। वैसे तो आपको अपनी बुक में, जो आप नोटबुक में आप नोट करोगे और एग्जाम में करोगे, आपको इसके नीचे ही करना है, मैं साइड में कर रही हूँ, ठीक है। तो देखो क्या करना है, आप एक साइड लिखेंगे SI सिस्टम और सेकेंड साइड आप लिखेंगे CGS सिस्टम। और अब आपको फाइंड आउट करना है इन फॉर्मूले में निकालने वाली वैल्यूज। तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे M1, L1, T1, U1 और आपका N1, ठीक है। ये सारी की सारी क्वांटिटी ये हो गई आपके एसआई यूनिट की। इस साइड आप निकालेंगे M2, L2, T2, U2 और N2। सेम ऐसा ही आपको आपकी किसमें लिखना है, नोटबुक में नोट, जब आप नोट्स बनाएंगे तब भी लिखेंगे और एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करके आना है, एक साइड एसआई सिस्टम और एक साइड सीजीएस सिस्टम। अब देखिए जो आपको क्वेश्चन में दिया है वो वन में दिया है, तो अब मुझे बताइए एसआई यूनिट में आपका जो मास होता है वो आप कौन से यूनिट में मेजर करते हैं। एसआई मतलब एमकेएस, एम में आप जो मास को मेजर करते हैं वो कितने में करते हैं, केजी में। तो एम वन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 केजी। इस बात को समझो, यहाँ पे सिर्फ याद रखने का, समझने का बस इतना सा ही काम है कि आपको ये पता करना है एसआई यूनिट में मास को किस यूनिट में मेजर करते हैं, लेंथ को किस में करते हैं, टाइम को किस में करते हैं, समझ रहे हो ना, सीजीएस को किस यूनिट में करते हैं, लेंथ को किस में करते हैं और टाइम को किस में करते हैं। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ। एसआई यूनिट जो होती है वो एमकेएस को फॉलो करती है, एमकेएस, और एमकेएस में मास किस में होता है, केजी में होता है। अब हम बात करेंगे लेंथ की, तो बताओ मुझे लेंथ को किस में मापा जाता है, मीटर में। तो आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी। टाइम तो आपका 1 सेकंड ही रहेगा, तो आप क्या लिखोगे, 1 सेकंड। और यू वन आपका मैं आपको बता चुकी हूँ कितना है, न्यूटन, क्योंकि ये हमें क्या बताता है, यूनिट के बारे में। तो दो ही तो यूनिट है, एक न्यूटन एक डाइन, तो न्यूटन हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे एन वन हो जाएगी। यहाँ पे N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था जो हमारे यूनिट के आगे नंबर लिखा हुआ रहता है वो नंबर हमारा क्या होता है, वो हमारी यूनिट होती है, ये हमारा N1 की वैल्यू होती है। तो सिंपली आपको ये याद रखा है, तो ये हो गया आपका SI सिस्टम का पूरा जो हमें फॉर्मूले में यूज करना है वो। समझ में आया अच्छे बच्चों को। अब बात करेंगे हम लोग CGS सिस्टम के बारे में सिंपली। तो देखो सीजीएस सिस्टम में भी आपको सेम यही लिखना है कि आपके सीजीएस सिस्टम में मास को किस यूनिट में मेजर करते हैं, लेंथ को किस यूनिट में मेजर करते हैं, टाइम को किस यूनिट में मेजर करते हैं। तो बताओ कैसे करोगे, जब हम मास की यहाँ पे बात करेंगे, जो हमारा मास होता है उसको हम किस में करते हैं, देखो सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकेंड, तो मास को किस में करेंगे, ग्राम में। तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 ग्राम। अगर मैं बात करूं यहाँ पे लेंथ की, तो डिस्टेंस की यूनिट सीजीएस में कितनी होती है,
सेंटीमीटर, तो कितनी हो जाएगी आपकी 1 सेंटीमीटर। अब बात करेंगे टाइम की, टाइम तो सबके लिए सेम है, कितना हो जाएगा आपका 1 सेकेंड। यू टू क्या हो जाएगी आपकी डाइन, क्योंकि हमें किस में चेंज करना है डाइन में, और एन टू की तो हमें वैल्यू फाइंड ही करनी है फॉर्मूले में, तो इसकी तो कोई वैल्यू होगी ही नहीं। तो ये कंप्लीट आपका डाटा बन गया, ये टोटली आपका डाटा बन गया जो हमें इस फॉर्मूले में चाहिए। एन वन मिल चुका है, एम वन एम टू मिल चुके, एल वन एल टू मिल चुके, टी वन टी टू हमें मिल चुके, तो ये सारा डाटा हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब भी हमारे पास एक कमी है, और वो है हमारी पावर की ए बी एंड सी। इसकी वैल्यू आपको कैसे फाइंड आउट करनी है वो भी मैं आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना सिखाऊंगी। बस आप देखते रहिए, बस आप समझते रहिए। देखिए यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो न्यूटन, न्यूटन एंड डाइन, न्यूटन एंड डाइन बोथ आर दी यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स। और यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा भी है कि आपको कन्वर्जन करना है बाय द मेथड ऑफ डाइमेंशंस, सो हमें डाइमेंशन निकालना है। सो डाइमेंशन, डाइमेंशनल फॉर्मूला फॉर, यहाँ पे आप लिखोगे डाइमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। तो सारे बच्चे बताएंगे मुझे कि हमारे फोर्स का डाइमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। अब तक तो याद हो जाना चाहिए था, क्या होता है एम वन एल वन टी माइनस टू। तो बेटा ये जो पावर आपकी आई है ना वन वन माइनस टू, तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू ए की वन, बी की आपकी कितनी आ जाएगी ऑल्सो वन, और सी की आपकी आ जाएगी माइनस टू। समझ में आया? अब हमारे पास कंप्लीट डाटा मिल चुका है जो भी हमें हमारे फॉर्मूले में चाहिए। नाउ नाउ पुट ऑल द वैल्यूज इन फॉर्मूला, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा देखो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख रही हूं, एन टू इज इक्वल टू एन वन, एम वन बाय एम टू की पावर ए, एल वन बाय एल टू की पावर बी, और टी वन बाय टी टू की पावर सी। सब कुछ मिल गया हमें, हमें सिर्फ इसको पुट करना है। तो देखो एन टू तो हमें फाइंड ही करना है, एन की वैल्यू कितनी है वन, एम वन की वैल्यू बताओ यहाँ पे 1 kg, और हमारे एम टू की कितनी है 1 ग्राम, पावर कितनी है ए की वैल्यू 1। अब यहाँ पे L1 बताइए, L1 है हमारा 1 मीटर, L2 है हमारा 1 सेंटीमीटर, पावर कितनी है अगेन 1, T1 कितना है हमारा यहाँ पे, T1 है हमारा 1 सेकेंड, अगेन T2 हमारा 1 सेकेंड, और पावर कितनी है -2। अब हमारे पास पूरा डाटा कंप्लीट है, जस्ट सोल्व करना है। अब सोल्व कैसे करना है वो देखो, यहाँ पे आपको देखने से पता लग रहा है 1 सेकेंड से 1 सेकेंड यहाँ पे कैंसिल हो गया है, हो गया ना। बाकी हमें क्या करना है, बस बाकी वैल्यूज को सोल्व करना है। कैसे करोगे देखो, n2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा, n2 हमारा यहाँ पे 1 kg बाय 1 ग्राम, पावर कितनी है 1, और यहाँ पे हमारा कितना है 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर, पावर अगेन कितनी है 1। अब देखो हम किसी भी अलग अलग यूनिट को सोल्व तो कर नहीं सकते, हमें तो सीजीएस में चेंज करना है, तो मैं क्या करूं केजी को ग्राम में चेंज कर दूं, तो क्या हो जाएगा देखो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000, तो ये हो जाएगा आपका 1000 ग्राम, और नीचे भी कितना आ जाएगा 1 ग्राम। मीटर को चेंज कर दूं कितने में, सेंटीमीटर में, तो कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर। अब मैं यूनिट्स को काट सकती हूँ, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, काउंट करो 1 2 3 4 5, यानी कि 1 न्यूटन में 10 रेज की पावर 5 क्या होते हैं टाइम। ये हो गया भाई आपका फॉर्म, देख लो आपके सामने सॉरी पूरा का पूरा क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है, आप खुद देख सकते हो
किस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को किया है, कैसे आपको इस क्वेश्चन को नोट डाउन करना है, किस तरह से एक एक चीज को समझाया है, किस तरह से कन्वर्जन करना है, कैसे आपको लिखना है, स्टार्टिंग कैसे करनी है, बीच का पॉइंट कैसे रहेगा, किस तरह से आप एक साइड डाइमेंशंस के एसआई सिस्टम लिखोगे, एक साइड आप सीजीएस लिखोगे, देन उसके बाद आपको फॉर्मूला भी समझा दिया, फॉर्मूले में किस तरह से हमें वैल्यूज को रखना है और कैसे लास्ट में उसको सॉल्व करना है जस्ट बाय द हेल्प ऑफ कटिंग यूनिट्स। आपको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में इसको क्या करना है, चेंज करना है और काट देना है। तो सब कुछ आपके सामने है, बिल्कुल भी कुछ भी ऐसी अलग चीज मैंने की नहीं है जो आपके समझ में ना आए, बहुत आसान से मैंने ये कर दिया है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ये आपका कन्वर्जन था, एक कन्वर्जन किया है मैंने किसमें, दूसरे कन्वर्जन में। इसको आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए, अगर आपको सिर्फ ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो मुझे नहीं लगता आपको कोई और क्वेश्चन समझने की जरूरत है। आप अगर ये क्वेश्चन समझ लेते हैं देन उसके बाद आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, बस आपको उसकी वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए, उसके वन सिस्टम से दूसरा सिस्टम पता होना चाहिए और आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, है ना आसान। अब एक बार इसको आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, देन उसके बाद अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा से इसको करा दूंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका अब तक प्रीवियस ईयर में आया हुआ सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बार आपका यही क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन और भी है, क्वेश्चन है आपके वर्क डन पे है कि आपको क्या करना है, जूल को अर्ब में चेंज करना है, और भी बहुत से क्वेश्चन हैं जो आपके सिलेबस में है, वो भी मैं आपको कराऊंगी, लेकिन वो आपको ना तभी समझ में आएंगे जब आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्योंकि देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है उसको कराने में थोड़ा सा टाइम लिया जाता है ताकि बच्चे को एक बार में ही सारा समझ में आ जाए। अगर आपको स्टार्टिंग में ही समझ में आ जाएगा तो कॉमन सेंस है ना, फिर आपके लिए कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन रह नहीं जाती है। और इसमें आपको ना स्टेप बाय स्टेप चलना है सब कुछ। सबसे पहले आप देखेंगे कि किस क्वांटिटी को, मतलब किस यूनिट को किस यूनिट में चेंज करना है, तो आप लिखेंगे कि ये क्वांटिटी, मतलब ये जो यूनिट है वो किसके यूनिट है। जैसे मैं अगर जूल और अर्ग लिखती तो वो किसकी यूनिट होती, वो वर्क डन की यूनिट होती। तो सिंपली आपको बताना है कि ये यूनिट आपकी एसआई यूनिट है फोर्स की, ये यूनिट आपकी सीजीएस यूनिट है आपकी उसकी फोर्स की, फिर आपको यू वन यू टू की वैल्यू लिखनी है, देन आपको फिर बताना है कि भाई हमें कन्वर्ट करना है एसआई को यहाँ पे सीजीएस में, और फिर उसके बाद आपको आपको पता है ये फॉर्मूला हमारे लिए मेन है, तो फॉर्मूले में जो जो चाहिए उसको निकालना भी तो पड़ेगा। तो आप सिंपली अपना एक साइड एसआई सिस्टम लिख लो, एक साइड आपका सीजीएस सिस्टम लिख लो, और सिंपली फिर उसको क्या करना है, अब आपको सिर्फ ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ए बी सी मिलेगा आपको उस फिजिकल क्वांटिटी से जिसकी यूनिट को आप कन्वर्ट कर रहे हो। तो न्यूटन से डाइन में कर रहे हो तो किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट चेंज कर रहे हो, फोर्स की चेंज कर रहे हैं ना। तो सिंपल सी बात है, ए बी और सी तीनों की ही जो वैल्यू होगी ना आपकी, वो आपकी आएगी यहाँ से, जो आपका फोर्स का ये डायमेंशनल फॉर्मूला है ना, यहाँ से निकल के आएगी आपकी ये वैल्यूज ए बी सी। देन उसके बाद आपको आपका फॉर्मूला लिखना है, पुट करना है, और देन उसके बाद हाँ यहाँ पे स्टेप याद रखिएगा, जहां पे आपकी वैल्यू सेम हो उनको काट दो, उनकी पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप उसको काट दोगे तो यहाँ पे वैल्यू वन आएगी, और वन की पावर तो आप कितनी ही रख दो वो हमेशा कितनी रहती है, वन रहती है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है बस, जब आप इस छोटी छोटी बातों को याद रखेंगे ना तो कन्वर्सन तो फिर आपके लिए कुछ भी नहीं है, फिर तो आप फटाक से कुछ भी कर सकते हो आसानी से। तो यहाँ पे ना आपको क्या करना है, सीजीएस में चेंज करना है, केजी तो आपके ऐसा ही है, तो आपको केजी को किस में चेंज करना है, सीजीएस में। तो केजी को जब सीजीएस में चेंज करोगे तो एक किलोग्राम में कितने ग्राम, अभी छोटी छोटी बातें जो होती है मैथमेटिक्स की वो तो आपको आनी ही चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या करोगे, आपका 1 केजी में कितना होगा, 1000 ग्राम, तो मैंने लिखा, और ग्राम से ग्राम क्या हो गया आपका कैंसिल। ऐसे ही मैंने सेंटीमीटर में किया, क्योंकि मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, तो 100 सेंटीमीटर मैंने लिखा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर हमारा कैंसिल, और हमारे पास सिर्फ हमें क्या हमें काउंट करना था, हमारी जो 10 की थी ना, 10 की कितनी पावर आती है वो काउंट करनी थी, और हमें हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि हमारे 1 न्यूटन में कितने 9, 10 रेस की पावर 5 टाइम।
तो समझ में आया? आई होप मैं सही में मैंने आराम से बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, और रियल में अगर आपके समझ में आया ना तो बच्चों भर के लाइक कर दो, लाइक कर दो ताकि मुझे समझ में आए, मुझे पता लगे कि हाँ आपको पसंद आया, आपके समझ में आया, जो मैंने कोशिश की है वो कोशिश रंग लाई है, आपके समझ में आया है, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात तो जब होगी जब आप इस क्वेश्चन की खुद से प्रैक्टिस करोगे और रियल में विदाउट एनी मिस्टेक आप उस क्वेश्चन को कर लोगे, और तब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि यस मैम हमारे समझ में आ गया। रियल में वो खुशी मेरे लिए बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा मैं खुश हो जाऊंगी कि बच्चों को समझाया और उनके समझ में आ गया। और अगर आपके समझ में भी नहीं आया, मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा भी है जिनको समझ में नहीं आया, बेटा आप मुझे कमेंट करके बता दो, मैं यही क्वेश्चन आपको दोबारा से करा दूंगी, लेकिन समझाऊंगी जरूर, क्योंकि मेरा मेन मोटिव है आपको समझाना, आपके समझ में आना चाहिए। आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे बुक का, कोई भी क्वेश्चन, आप उसको फटाफट से करके दिखा दो। तो फिर आप चलिए फिर इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, टास्क देके जा रही हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हमारी कहीं पे कमी आपको दिखती है तो उसके लिए भी माफी चाहती हूँ, और आपसे कहना भी चाहूंगी तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए कहाँ पे कमी रह गई है। तो फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, एक नए टॉपिक के साथ, न्यू एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिएगा।